Hello everyone, welcome to the next lecture in the series of named reaction, and today we will cover one of the most important reactions in the syllabus of JEE Advanced and NEET or JEE Mains, that is Kolbe-Schmitt reaction. इस reaction से जो है आपको कई बार directly question पूछे जाते हैं examination में. आपको सीधा ये reactant दिया रहेगा, reagent दिया रहेगा, आपसे product पूछ लिया जाएगा, और कई बार इसमें इंटरमीडिएट से या फिर जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है उसके रिएक्शंस स्कीम से भी क्वेश्चंस आते हैं. सो इन दिस Kolbe-Schmitt रिएक्शन विल सी दैट इट इज अ रिएक्शन ऑफ फिनॉल, और रिएक्शन ऑफ फिनॉल किसके साथ हो रहा है, सो CO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, एंड इन द सेकेंड स्टेप वी विल डू द प्रोटोनेशन ऑफ द स्पीशी विच विल बी फॉर्मिंग ड्यूरिंग द रिएक्शन. और जो प्रोडक्ट है हमारा वो है सैलिसिलिक एसिड. सो इन सैलिसिलिक एसिड, जिस तरह हमने देखा था पिछले रिएक्शन में जो हमारा राइमेटाइमन रिएक्शन था, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो सैलिसिलडिहाइड जो प्रोडक्ट बनता है हमारा वो काफी ज्यादा स्टेबल था. सो इस रिएक्शन में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. सो दिस इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच provides extra stability to the product. Now coming to the mechanism of this reaction, in the very first step of the reaction, what happens that the OH minus removes hydrogen from the phenol. जैसा कि हम जानते हैं कि phenol भी acidic nature का होता है. इसकी pKa value कितनी होती है phenol की? The pKa value of phenol is 9.9. तो यहां पर ये OH माइनस सबसे पहले प्रोटॉन विड्रॉ करेगा फिनॉल से, जो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा. नाउ फिनॉक्साइड आयन, एज यू नो दैट ये रेजोनेंस करके इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. नाउ अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है, और क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी कम होगी. देयरफॉर इट विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द फिनॉक्साइड आयन. राइट, नाउ दिस माइनस चार्ज और द नेगेटिव चार्ज अटैक्स ओवर द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड का शिफ्ट होगा, क्योंकि एक टाइम पर कार्बन चार ही बॉन्ड बना सकता है. राइट, तो अगर आप देखें तो इस अटैक के बाद जो हमारा अगला स्टेप होगा, जो स्पेशी की जिस स्पेशी का फॉर्मेशन होगा, दैट विल बी दिस. नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर दैट दिस OH माइनस अगेन अटैक्स ओवर दिस हाइड्रोजन, रिमूव्स इट फ्रॉम हियर, और वापस से रेजोनेंस अगर होगा तो जो रिंग है आपकी, जो अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर चुका था यहां पर वाइल अटैकिंग ऑन दी कार्बन डाइऑक्साइड, वो वापस से एरोमेटिसिटी गेन कर लेता है यहां पर. नाउ यू हैव ए स्पीशी जहां पर दो दो चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज है यहां पर इस ऑक्सीजन पे और दूसरा इस ऑक्सीजन पे. नाउ इन द स्टेप ऑफ प्रोटोनेशन और द फॉलोइंग स्टेप ऑफ प्रोटोनेशन, ये बोथ ऑक्सीजन जो है ये प्रोटोनेट हो जाएंगे, और जो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी सैलिसिलिक एसिड. सो दिस वॉज Kolbe-Schmitt रिएक्शन. बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, बट स्टिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर दो तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया कि या तो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट से क्वेश्चन आएगा या फिर इसके इंटरमीडिएटरी स्टेप्स से क्वेश्चन आता है. यहां पर एक अच्छा खासा पॉइंट है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख रहे हैं, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन, ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट करता है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट Kolbe-Schmitt रिएक्शन. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेम्ड रिएक्शन, एंड प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. थैंक यू.